अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की खुशियों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा कमाल की इंटरेस्टिंग और से भरपूर होने वाली हैं। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि स्टोरी में नाज़रीन अब देखेंगे बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं, जैसे कि माहिर की और साद की शादी हो गई है और शादी के बाद दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हैं, लेकिन माहिर अभी भी अरीब से मोहब्बत करती है, उसकी यादों में खोई हुई है, लेकिन साद बहुत ज़्यादा उसकी केयर कर रहा है। जिसके बाद माहिर की वालदा यानी उनके पेरेंट्स यही कहेंगे कि तुम साद के साथ खुश तो हो, जिसके बाद माहिर यही कहेगी जब अरीब मुझे छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, यानी वो शादी कर रहा है अपनी कज़न से, तो मैं क्यों ना अपनी ज़िंदगी में फिर आगे बढ़ूँ, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुतमइन भी हूँ, साद बहुत अच्छा दोस्त होने के साथ साथ शोहर भी है। जबकि ये सब कुछ हो जाने के बाद यानी उनका वलीमा हो जाए, वलीमे का फंक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुश है दोनों एक दूसरे के साथ। तो वहीं पर जो अरीब के होने वाली मंगेतर है वो ये सब कुछ देखती है, जब उसके कमरे में अरीब की माहिर की तस्वीरें पड़ी हैं उसको बहुत गुस्सा आता है, वो तस्वीरों को फेंक देगी। ये सब कुछ देख के अरीब को भी गुस्सा आ जाएगा, यही कहेगा अपने होने वाले मंगेतर से ये सब कुछ तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हें क्या हिम्मत कि तुम मेरे कमरे में ही आके मेरी ही चीज़ों को फेंक रही हो, ऐसे तुम कैसे कर सकती हो मेरी बगैर इजाज़त। इन्हें बहुत ज़्यादा उस पर गुस्से होगा और ये सब कुछ उसे बर्दाश्त नहीं होगा, अपनी इंसल्ट कि अरीब ने मेरी इतनी इंसल्ट की है, ये सब कुछ तमाशा जो है वो माहिर के घर पर जा के लगा देगी ताकि माहिर को सबक सिखा सके। तो यही कहेगी कि माहिर ने मेरी ज़िंदगी में आके तबाही बर्बादी कर दी है, मेरी ज़िंदगी में बेसकून बेचैनी कर दी है, लेकिन मैं उसकी ज़िंदगी में भी सकून नहीं रहने दूंगी। यानी उसके वलीमे वाले दिन वहाँ पर जाके सब लोगों के सामने उसको चीप और करेक्टर लेस कह के यानी माहिर के सामने ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जब अरीब की होने वाली मंगेतर उसके सामने आके सब लोगों के सामने माहिर से कहेगी कि माहिर मुझे पता चल गया है कि तुम कितनी चीप और करेक्टर लेस हो, ये सब कुछ आज तुमने प्रूव कर दिया है। माहिर जब ये बात सुनती है बेचारी सब लोगों के सामने इतनी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है। माहिर तो किसी के सामने नजरें मिलाने के भी काबिल नहीं रही, लेकिन साथ में भी उसके लिए स्टैंड लेगा और यही कहेगा कि ये नहीं बल्कि तुम हो जो यहाँ पर आके सारा तमाशा कर रही हो। यानी ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत कमाल की इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आपको ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है आपने अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की खुशियों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा कमाल की इंटरेस्टिंग और से भरपूर होने वाली हैं। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि स्टोरी में नाज़रीन अब देखेंगे बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं, जैसे कि माहिर की और साद की शादी हो गई है और शादी के बाद दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हैं, लेकिन माहिर अभी भी अरीब से मोहब्बत करती है, उसकी यादों में खोई हुई है, लेकिन साद बहुत ज़्यादा उसकी केयर कर रहा है। जिसके बाद माहिर की वालदा यानी उनके पेरेंट्स यही कहेंगे कि तुम साद के साथ खुश तो हो, जिसके बाद माहिर यही कहेगी जब अरीब मुझे छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, यानी वो शादी कर रहा है अपनी कज़न से, तो मैं क्यों ना अपनी ज़िंदगी में फिर आगे बढ़ूँ, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुतमइन भी हूँ, साथ बहुत अच्छा दोस्त होने के साथ साथ शोहर भी है। जबकि ये सब कुछ हो जाने के बाद यानी उनका वलीमा हो जाए, वलीमे का फंक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुश है दोनों एक दूसरे के साथ। तो वहीं पर जो अरीब के होने वाली मंगेतर है वो ये सब कुछ देखती है, जब उसके कमरे में अरीब की माहिर की तस्वीरें पड़ी हैं उसको बहुत गुस्सा आता है, वो तस्वीरों को फेंक देगी। ये सब कुछ देख के अरीब को भी गुस्सा आ जाएगा, यही कहेगा अपने होने वाले मंगेतर से ये सब कुछ तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हें क्या हिम्मत
कि तुम मेरे कमरे में ही आके मेरी इन चीज़ों को फेंक रही हो, ऐसे तुम कैसे कर सकती हो मेरी बगैर इजाज़त। इन्हें बहुत ज़्यादा उस पर गुस्से होगा और ये सबको उसे बर्दाश्त नहीं होगा अपनी इंसल्ट कि अरीब ने मेरी इतनी इंसल्ट की है। ये सबको तमाशा जो है वो माहिर के घर पर जा के लगा देगी ताकि माहिर को सबक सिखा सके। यही कहेगी कि माहिर ने मेरी ज़िंदगी में आके तबाही बर्बादी कर दी है, मेरी ज़िंदगी में बेसकून बेचैनी कर दी है, लेकिन मैं उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं रहने दूंगी। यानी उसके वलीमे वाले दिन वहाँ पर जाके सब लोगों के सामने उसको चीप और करैक्टरलेस कह के यानी माहिर के सामने सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जब अरीब की होने वाली मंगेतर उसके सामने आके सब लोगों के सामने माहिर से कहेगी कि माहिर मुझे पता चल गया है कि तुम कितनी चीप और करैक्टरलेस हो, ये सब कुछ आज तुमने प्रूव कर दिया है। माहिर जब ये बात सुनती है बेचारी सब लोगों के सामने इतनी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है। माहिर तो किसी के सामने नज़रें मिलाने के भी काबिल नहीं रही, लेकिन साथ ही उसके लिए स्टैंड लेगा और यही कहेगा कि ये नहीं बल्कि तुम हो जो यहाँ पर आके सारा तमाशा कर रही हो। यानी ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत कमाल की इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आपको ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं आपने अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की खुशियों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा कमाल की इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि स्टोरी में नाज़रीन अब देखेंगे बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं, जैसे कि माहिर की और साद की शादी हो गई है और शादी के बाद दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हैं, लेकिन माहिर अभी भी अरीब से मोहब्बत करती है, उसकी यादों में खोई हुई है, लेकिन साद बहुत ज़्यादा उसकी केयर कर रहा है। जिसके बाद माहिर की वालदा यानी उनके पेरेंट्स यही कहेंगे कि तुम साद के साथ खुश तो हो, जिसके बाद माहिर यही कहेगी जब अरीब मुझे छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है यानी वो शादी कर रहा है अपनी कज़न से, तो मैं क्यों ना अपनी ज़िंदगी में फिर आगे बढ़ूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुतमइन भी हूँ, साथ बहुत अच्छा दोस्त होने के साथ साथ शोहर भी है। जबकि ये सब कुछ हो जाने के बाद यानी उनका वलीमा हो जाए, वलीमे का फंक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुश है दोनों एक दूसरे के साथ, तो वहीं पर जो अरीब के होने वाली मंगेतर है वो ये सब कुछ देखती है। जब उसके कमरे में अरीब की माहिर की तस्वीरें पड़ी हैं उसको बहुत गुस्सा आता है, वो तस्वीरों को फेंक देगी। ये सब कुछ देख के अरीब को भी गुस्सा आ जाएगा, यही कहेगा अपने होने वाली मंगेतर से ये सब कुछ तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हें क्या हिम्मत कि तुम मेरे कमरे में ही आके मेरी इन चीज़ों को फेंक रही हो, ऐसे तुम कैसे कर सकती हो मेरी बगैर इजाज़त। इन्हें बहुत ज़्यादा उस पर गुस्से होगा और ये सब कुछ उसे बर्दाश्त नहीं होगा अपनी इंसल्ट कि अरीब ने मेरी इतनी इंसल्ट की है। ये सब कुछ तमाशा जो है वो माहिर के घर पर जा के लगा देगी ताकि माहिर को सबक सिखा सके। यही कहेगी कि माहिर ने मेरी ज़िंदगी में आके तबाही बर्बादी कर दी है, मेरी ज़िंदगी में बेसकून बेचैनी कर दी है, लेकिन मैं उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं रहने दूंगी। यानी उसके वलीमे वाले दिन वहाँ पर जाके सब लोगों के सामने उसको चीप और करैक्टरलेस कह के यानी माहिर के सामने सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जब अरीब की होने वाली मंगेतर उसके सामने आके सब लोगों के सामने माहिर से कहेगी कि माहिर मुझे पता चल गया है कि तुम कितनी चीप और करैक्टरलेस हो, ये सब कुछ आज तुमने प्रूव कर दिया है। माहिर जब ये बात सुनती है बेचारी सब लोगों के सामने इतनी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है। माहिर तो किसी के सामने नज़रें मिलाने के भी काबिल नहीं रही, लेकिन साथ ही उसके लिए स्टैंड लेगा और यही कहेगा कि ये नहीं बल्कि तुम हो जो यहाँ पर आके सारा तमाशा कर रही हो। यानी ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत कमाल की इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आपको ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं आपने अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे व्यूअर्स, दिल की खुशियों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा कमाल की इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि स्टोरी में नाज़रीन अब देखेंगे बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं, जैसे कि माहिर की और साद की शादी हो गई है और शादी के बाद दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हैं, लेकिन माहिर अभी भी अरीब से मोहब्बत करती है, उसकी यादों में खोई हुई है, लेकिन साद बहुत ज़्यादा उसकी केयर कर रहा है। जिसके बाद माहिर की वालदा यानी उनके पेरेंट्स यही कहेंगे कि तुम साद के साथ खुश तो हो, जिसके बाद माहिर यही कहेगी जब अरीब मुझे छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, यानी वो शादी कर रहा है अपनी कज़न से, तो मैं क्यों ना अपनी ज़िंदगी में फिर आगे बढ़ूँ, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुतमइन भी हूँ, साथ बहुत अच्छा दोस्त होने के साथ साथ शोहर भी है। जबकि ये सब कुछ हो जाने के बाद यानी उनका वलीमे का फंक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुश है दोनों एक दूसरे के साथ। तो वहीं पर जो अरीब की होने वाली मंगेतर है वो ये सब कुछ देखती है, जब उसके कमरे में अरीब की माहिर की तस्वीरें पड़ी हैं उसको बहुत गुस्सा आता है, वो तस्वीरों को फेंक देगी। ये सब कुछ देख के अरीब को भी गुस्सा आ जाएगा, यही कहेगा अपने होने वाले मंगेतर से ये सब कुछ तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हें क्या हिम्मत कि तुम मेरे कमरे में ही आके मेरी ही चीज़ों को फेंक रही हो, ऐसे तुम कैसे कर सकती हो मेरी बगैर इजाज़त। ही बहुत ज़्यादा उस पर गुस्से होगा और ये सब कुछ उसे बर्दाश्त नहीं होगा, अपनी इंसल्ट कि अरीब ने मेरी इतनी इंसल्ट की है, ये सब कुछ तमाशा जो है वो माहिर के घर पर जा के लगा देगी ताकि माहिर को सबक सिखा सके। यही कहेगी कि माहिर ने मेरी ज़िंदगी में आके तबाही बर्बादी कर दी है, मेरी ज़िंदगी में बेसकून बेचैनी कर दी है, लेकिन मैं उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं रहने दूंगी। यानी उसके वलीमे वाले दिन वहाँ पर जाके सब लोगों के सामने उसको चीप और करेक्टर लेस कह के यानी माहिर के सामने सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जब अरीब की होने वाली मंगेतर उसके सामने आके सब लोगों के सामने माहिर से कहेगी कि माहिर मुझे पता चल गया है कि तुम कितनी चीप और करेक्टर लेस हो, ये सब कुछ आज तुमने प्रूव कर दिया है। माहिर जब ये बात सुनती है बेचारी सब लोगों के सामने इतनी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है, माहिर तो किसी के सामने नजरें मिलाने के भी काबिल नहीं रही, लेकिन साथ ही भी उसके लिए स्टैंड लेगा और यही कहेगा कि ये नहीं बल्कि तुम हो जो यहाँ पर आके सारा तमाशा कर रही हो। यानी ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत कमाल की इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आपको ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।